जय श्री गणेश दोस्तों, पहले यहाँ आरती होगी और उसके बाद आपको पूरी गणेश महोत्सव के बारे में जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भी भक्तजन आरती का आनंद उठाना चाहते हैं तो कृपया शीघ्र पंडाल में पहुंचने की कृपा करें। हाथ में पूजा की थाली ले ले। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पितामह मंगेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पितामह देवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता दत्त पार्वती पितामह देवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पितामह देवा। अंधन को आंख देत चौरन को पाया, अंधन को आंख देत चौरन को पाया, बंधन को पुत्र देत निर्धन को माया, बंधन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पितामह देवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पितामह देवा। पान चढ़े फूल चढ़े हार चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े हार चढ़े मेवा। लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पितामह देवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पितामह देवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पितामह देवा। फिर शाम शरण आए सुफल की जसेवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पितामह देवा, माता जकी पार्वती पितामह देवा। बोल श्री गदानंदी महाराज की जय। पूजा में हाथ की ताली को छोड़कर कर्तव्य होने से भगवान की आरती करेंगे। जय देव, जय देव, जय मंगल मूर्ति, जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामन। तो ये हैं बसोली के कुछ भक्तजन जिन्होंने यहाँ पर भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करी है और इसका विसर्जन करेंगे। इन्हीं से जानते हैं इन्होंने ये स्थापना कब करी और ये मूर्ति कहाँ से लाई। हाँ जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है राम सिंह यादव, जो हम लोग छत्तीसगढ़ का रहने वाले हैं, जो जम्मू कठुए जिले में पड़ता है, जो बसोली गांव में। हम लोग यहाँ पे काम करने आए हैं लेबर मिस्त्री का। और हम लोग कब से ये आपकी ये स्थापना हुई है और कब से आप शुरू किया हुआ ये काम आपने? हम लोग सन 2018 से चालू किया, यहाँ 4 साल हो गए हैं बसोली में कि गणेश उत्सव मना रहे हैं।
और आपके साथ साथ कौन है जो जिन्होंने ये सारा सिलसिला यहाँ जारी किया? सबसे मेन जाता है अमरनाथ पटेल। हाँ जी, कौन ये हैं हमारे अमरनाथ पटेल जी? ये अमरनाथ जी पटेल जी। और ये आपका नाम? संजय जायसवाल। और ये हमारे नाथ जी। और इन्होंने मिलकर यहाँ पर भगवान गणपति की स्थापना करी है। और आपका नाम? किरण। कहाँ से हो आप? छत्तीसगढ़ से। ये सारे लोग जो हैं छत्तीसगढ़ से हैं। ये हैं सर हमारे पठानिया जी। और ये सब मिलकर यहाँ पर इन्होंने स्थापना करी है। अब इसका विसर्जन कहाँ होगा? ये मूर्ति आपने कहाँ से लाई? और हम लोग पठानकोट से लाए हैं। और इसकी हाइट क्या है? इसका हाइट होगा 7 फुट। 7 फुट। कैसे लाए? गाड़ी से लाए हैं, पिकअप से लाए। हाँ। और इसकी हाइट जैसा कि उन्होंने बताया कि 7 फीट है, तो ये अभी आपको बताएंगे इसका विसर्जन कब होगा। अब गणपति का विसर्जन कब होता है ये आपको बताएंगे। 19 तारीख विसर्जन होगा, मतलब 19 सितंबर को इसका विसर्जन होगा। और कुछ आपको कहना है लोगों से? कहना है बसोली वालों को, जो हम लोग यहाँ से आए हैं, दूर से आए छत्तीसगढ़ से, तो यहाँ पे रामलीला ग्राउंड पे हम लोग अनुमति लिए, फिर उसके बाद वो सारे सदस्य ने यहाँ पे हमें अनुमति दिया है। फिर उन लोगों का मैं सबसे शुक्रगुजार हूँ, उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग को यहाँ पे गणपति उत्सव के लिए साथ देते हैं। हर साल की तरह इस साल भी दिए हैं और अगले साल हर वर्ष देता रहेगा। तो ये गणपति जी का उत्सव बड़े जोश और उल्लास से मनाया जा रहा है। ये हमारे नाथ जी हैं, कुछ शब्द ये भी कहेंगे। हाँ जी, आपका क्या विचार है इसके बारे में, जो इन्होंने स्थापना करी यहाँ, ये कार्यक्रम शुरू किया? ये कार्यक्रम हम सबसे पहले हम लोगों ने और नाथ जी ने जो मीटिंग की थी, जिससे ये स्थापना करने की, ये पहले करते थे जहाँ 1 किलोमीटर बाइक करते थे पहले, तो फिर हाँ बॉडी पे ऊपर करते थे, उसके बाद जहाँ पे लाए हमने, ये कहने लगे कि यार पुजारी जी ऐसे ऐसी बात है जहाँ करेंगे रामलीला ग्राउंड में, इनका साथ दिया और मैं इनके साथ चलता हूँ। ये सभी ने इनका साथ दिया और इन्होंने ये कार्य शुरू किया। पहले तरफ नीलकंठ मंदिर सामने है, हनुमान जी की मूर्ति है, जी गणपति जी बैठे हैं। आपको कैसा लग रहा है ये उत्सव में? कैसा लग रहा है यहाँ पर? मुझे तो अच्छा ही लगेगा। नहीं, बहुत अच्छा, मेरे को बड़ी खुशी है बसोली वालों की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी है मेरे को। ठीक है। ये हमारे कन्नू जी हैं जो कि कार्यकर्ता हैं इस मंडल के, और आरती वगैरह यही करते हैं, सोशल वर्कर भी हैं अच्छे। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो जल्द से जल्द शेयर और लाइक करें। और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेश।